एबीवीपी के लोग जो ऋषिकेश से किसी ट्रेनिंग से वापस लौट रहे थे, उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी कि ये जो नंस हैं दो लड़कियों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। एबीवीपी के कहने पे वहाँ पे पुलिस पहुँची, जीआरपी पहुँची और उसने उन नंस को स्टेशन ट्रेन से उतार दिया। जय मसीह दोस्तों, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। दोस्तों अभी आपने एक वीडियो का छोटा सा क्लिप देखा है, मैं आपको पूरा फुल वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल पर बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि हमारी वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों ये वीडियो जो है दिल्ली का है, दिल्ली से उड़ीसा जो है दो महिलाएं जा रही थीं, इनके साथ में एक और लड़की थी जो है, ये तीन लोग थे और ये लोग जो है उड़ीसा जा रहे थे। और ये मामला क्या है जो है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। झांसी रेलवे स्टेशन पे चार ईसाई नंस को एबीवीपी के लोगों की शिकायत पे उनकी ट्रेन से उतार दिया गया और उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि एबीवीपी का आरोप था कि ये नंस जो हैं धर्म परिवर्तन करा रही हैं। ये नंस दिल्ली से उड़ीसा जा रही थी, इनमें दो नंस थीं जो सफ़ेद लिबास पहने हुए थीं और दो ट्रेनिंग करने वाली नंस थीं और वो भी ईसाई लड़कियां थीं, वो उनके साथ उड़ीसा जा रही थीं। एबीवीपी के लोग जो ऋषिकेश से किसी ट्रेनिंग से वापस लौट रहे थे, उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी कि ये जो नंस हैं दो लड़कियों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। एबीवीपी के कहने पे वहाँ पे पुलिस पहुँची, जीआरपी पहुँची और उसने उन नंस को स्टेशन ट्रेन से उतार दिया, उनको थाने में ले गए, उनसे कड़ी पूछताछ की। जब पूछताछ के बाद उन्होंने अपने सारे कागजात दिखा दिए और पुलिस ये संतुष्ट हो गई कि वो जन्म से ईसाई हैं और जो दो लड़कियां बिना लिबास के हैं वो भी नन बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं और उनका धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब उन्हें वापस जाने दिया गया। इस मामले से बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। केरल के चीफ मिनिस्टर ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इससे देश में धार्मिक सहिष्णुता की जो परम्परा है वो दागदार होती है। इसी तरह केरल बीजेपी के चीफ ने भी यूपी के सीएम को पत्र लिख करके जो जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने एबीवीपी के कहने पे नर्सों के साथ ये सब किया, लेकिन जिन एबीवीपी वालों की बात ये गलत साबित हुई उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की कोई सूचना नहीं है। तो दोनों लड़कियों के पास से बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मिला जो 2003 का था। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट क्रिश्चियन रिलीजन में नामकरण का होता है, तो जिससे ये प्रूफ हो गया कि दोनों युवतियां बाई बर्थ ही क्रिश्चियन थी, उनको किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा था, ये केवल उनको एक शक था। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा कि यहाँ पर जो है ये जो महिलाएं थी, ये तीनों महिलाएं थी, ये जो है दिल्ली से उड़ीसा जा रही थी और जो है ट्रेन में मतलब ये लोग थी, और उसी समय जब दिल्ली से मतलब उड़ीसा जा रही थी तो रास्ते में जो है एबीपी के न्यूज वाले वहाँ पर जो है मतलब मौजूद थे और उन लोगों ने इन लड़कियों पर ध्यान दिया और इनको पता चला, उन न्यूज वालों को पता चला कि ये जो है धर्म परिवर्तन का मतलब मामला है और ये लोग जो है लग रहा है कि धर्म परिवर्तन करा रही हैं लोगों को, मतलब जाकर मतलब लोगों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करा रही हैं। तभी वहाँ के जो है उन लोगों ने मतलब पुलिस को सूचना दिया, पुलिस वहाँ पर आई और जो है उन बीच रास्ते में उन लड़कियों को उतार दिया गया और वहाँ पर जो है लेकर जो है लोग थाने में गए और थाने में उस लड़कियों के खिलाफ जो है मतलब पूछताछ हुई और उसके बाद पूछताछ होने के बाद जो पुलिस वहाँ पर जो है लोगों से पूछी तो पुलिस को पता चली कि ये जो दो लड़कियाँ थी ये जन्म से ही जो है मतलब क्रिश्चियन थी और जो है यीशु मसीह को मानती थी, ये जन्म से ही ये जो है जो क्रिश्चियन थी। तो उसके बाद पुलिस ने जो है इन सब को जो है छोड़ दिया और जो है वो जो तीसरी लड़की थी वो जो है मतलब उसका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था और ये सब पूछताछ होने के बाद जो है पुलिस जो है छोड़ दी उन लोगों को। लेकिन जो है वो केरल के जो मतलब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने जो है अमित शाह को मतलब लेटर लिखा कि जो ऐसा मतलब हरकत किया है जिन लोगों ने उनके खिलाफ जो है कानून के हिसाब से वहाँ पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो है लोग बिना सोचे समझे उन
लड़कियों को परेशान किए, बीच रास्ते में उतारे, और वो अपने जो है मतलब काम से अपने ज़रूरत से जहाँ जा रहे थे उनके जो है काम में विलम्ब हुआ, उनका जो है मतलब परेशान किया गया। इस हिसाब से जो है लोगों के ऊपर जो एक हरकत किए हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और जो केरल के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने मतलब अमित शाह को लेटर लिख कर जो है बताया कि इनके खिलाफ़ जो है एक्शन लीजिए, और ये लोग जो हरकत किए हैं जो है बिना सोचे समझे उस लड़कियों को परेशान किए हैं, उनके जो है जो परेशान किए हैं उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बिना सोचे समझे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और जो ये लोग जो हरकत कर रहे हैं इनके ऊपर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि हमारी वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे।